का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है बिजनेस लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। इसमें हम क्या करते हैं, बिजनेस लेटर लिखते हैं और उस बिजनेस लेटर में ऑर्डर प्लेस करते हैं। जैसे आप लोगों को मैंने कल बताया था कि बिजनेस लेटर ऑफ इंक्वायरी, तो इंक्वायरी का जब आपको जवाब आ जाएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, मैं इस कंपनी के साथ डील कर सकता हूँ, बिजनेस डील कर सकता हूँ, ये अच्छी कंपनी है। तो जैसे बिजनेस लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस करना है किसी को, ठीक है, तो हम लोग अब लिखने जा रहे हैं बिजनेस लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोगों ने आज थोड़ा टॉपिक चेंज किया है। इसमें हम लोगों ने को आज लिखना है एक पब्लिकेशन, ठीक है, एक पब्लिकेशन को लेटर लिखना है, ठीक है, अरिहंत पब्लिकेशन के सेल्समैन को कुछ बुक के लिए। और आप क्या है, आप लाइब्रेरियन है किसी कॉलेज के, तो देखिए कैसे लिखते हैं। या फिर आपका खुद का बुक का दुकान है, तो देखिए यहां पे कैसे लिखेंगे, प्रोप्राइटर विद्या मंदिर भगवानपुर बिहार पिन कोड लिख दिया। अब यहां पे एक या दो लाइन जो आप छोड़ते हैं उसको फॉलो करते हुए डेट लिखिए। ठीक है, अब यहां पे लिखिए द सेल्स मैनेजर, द सेल्स मैनेजर अरिहंत पब्लिकेशन द सेल्स मैनेजर अरिहंत पब्लिकेशन के सेल्स मैनेजर को लिखने जा रहे हैं। अब इसका एड्रेस दे देते हैं, दरियागंज, न्यू दिल्ली 7 सेक्टर, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे फाइल। आप यहां भी लिख सकते हैं क्योंकि उन्होंने आपको एक फाइल बना के दी होती है, ठीक है, कि आपने कौन से फाइल का रेफरेंस दिया है। तो देखिए यहां पे फाइल नेम लिखते हैं, फाइल नंबर 450। अब यहां पे बगल में जिस डेट को मैंने लिखा था, मान लीजिए सेकेंड को लिखा था, तो 02/22, ठीक है। अब यहां पे सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, प्लेसिंग ऑर्डर, क्योंकि हम लोग ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, एक बुक कंपनी को ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे सर के बाद लाइन नहीं छोड़ते ना, कॉमा देते, रेफर टू माई एग्रीमेंट नंबर। अब यहां पे नंबर दे दीजिए जो आपने लिखा है, 450 02/22, ठीक है। अब यहां पे आपने क्या किया, एग्रीमेंट नंबर लिख लिया, डेटेड किस डेट को, जिस डेट को आपको जवाब आया होगा, डेटेड यहां पर मान लो मैं लिख देता हूं 1 फरवरी 2022 रिगार्डिंग किस चीज के रिगार्डिंग में आपने लिखा था वो भी लिखना है, रिगार्डिंग सप्लाई ऑफ बुक्स के सप्लाई में, ठीक है। Following books are to be sent on priority basis
ये सब चीजों का कुछ चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो आप पहले बात कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे एक सीरियल नंबर क्रिएट करेंगे, यहाँ पे सीरियल नंबर, फिर नेम ऑफ बुक, नेम ऑफ बुक, ठीक है, सीरियल नंबर, नेम ऑफ बुक, क्वांटिटी, और यहां पे क्या लिखेंगे, राइटर, किस राइटर के चाहिए। तो सीरियल नंबर एक में हमको कौन सा बुक चाहिए, सीरियल नंबर एक में हमको चाहिए फिजिक्स चाहिए, फिजिक्स 12th का चाहिए। क्वांटिटी कितना है, तो वो 250 बुक चाहिए हमको। राइटर कौन से होने चाहिए, तो एचसी वर्मा होने चाहिए, वर्मा सर, या फिर चाहिए असली राइटर का नाम लिख देते, डीसी पांडे का चाहिए हमको, किसका चाहिए, और यह कॉम्प्लिकेशन का बुक इन्हीं के नाम से छपता है, डीसी पांडे सर का चाहिए बुक, ठीक है। अब देखिए सीरियल नंबर दो में फिजिक्स, फिजिक्स क्लास 11th 250, ये भी डीसी पांडे का चाहिए, डीसी पांडे। अब देखिए सीरियल नंबर तीन में, सीरियल नंबर तीन में क्या लिखेंगे हम, सीरियल नंबर तीन में लिखेंगे मैथ्स, मैथ्स क्लास 12th 300 बुक चाहिए, और किस राइटर का चाहिए, यहां पर मैं कोई भी राइटर लिख रहा हूं, आप नाम लिख दीजिएगा। जब देखो एग्जाम में उस टीचर को भी नहीं पता, एग्जाम में आपको केवल बस फॉर्मेट पूरा करना है, तो किसी राइटर का भी नाम लिख दीजिए, जैसे आरएस अग्रवाल का, ऐसा इनका बुक भारतीय भवन पब्लिकेशन में छपता है, आरएस अग्रवाल 4 पे मैथ्स क्लास 12th सॉरी 11th क्लास 11th 300 आरएस अग्रवाल, आरएस अग्रवाल। नंबर 5 में कौन सा बुक चाहिए हमको, ठीक है, केमिस्ट्री क्लास 12th 250 बुक चाहिए, किस राइटर के चाहिए, तो जैसे एन अवस्थी का चाहिए, ऐसा इनका बुक बालाजी पब्लिकेशन का आता है। लेकिन मैंने आपको केवल फॉर्मेट समझाने के लिए समझाया, तो यहां तक आप समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं सो बताइए, ठीक है। अब आपने मान लीजिए 6, 7, 8 ये कॉलम बना दिया, अब मैं इसको मिटाने जाऊंगा, इसलिए आपने जो कॉलम बनाया है वहां तक आप नोट कर ले, अच्छे से देख ले, दो मिनट इसको देख ले, क्योंकि मैं कुछ देर में इसको मिटाने वाला हूं, क्योंकि बोर्ड पे नहीं आ पा रहा है, बोर्ड पे नहीं आ पा रहा। और अगर फिगर क्लियर ना आए तो आप पोर्ट्रेट मोड में मोबाइल को करके देखें, वहां पे फिगर जरूर क्लियर आएगा। थोड़ा सा दिक्कत होता है, बट दिक्कत से हम लोगों को क्या करना है, फाइट करना है। तो इस वीडियो को मैं अब जा रहा हूं मिटाने, वीडियो पॉज करके। तो देखिए यहां से हम क्या करेंगे, दूसरा पैराग्राफ चालू करेंगे। तो दूसरा पैराग्राफ में हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इन बुक्स को जल्दी से भेज दिया जाए, क्योंकि ये बुक्स हाई डिमांड पे है, क्योंकि नया सेशन आने वाली है, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखते हैं, इट इज रिक्वेस्टेड स्टेड दैट ऑल द एवव बुक्स, ऑल द एवव बुक्स, ऑल द एवव बुक्स आर ऑन हाई डिमांड, आर ऑन हाई डिमांड, हाई डिमांड एज न्यू सेशन इज कमिंग, न्यू सेशन इज कमिंग सून, नया सेशन बहुत जल्द आने वाला है, इसलिए बुक हाई डिमांड पे है, ठीक है। सो ऑल एवर बुक्स आर, ऑल एवर बुक्स आर टू बी सेंट, ऑल एवर बुक्स आर टू बी सेंट विदाउट
विदाउट एनी डिले पेमेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्रीमेंट हैज बीन मेड बीन मेड इन योर अकाउंट यस्टरडे। एग्रीमेंट के हिसाब से जो बात हुई थी उसके हिसाब से पेमेंट आपके अकाउंट में यस्टरडे यानी कल ही कर दिया गया है, इसलिए बिना देर किए हुए जो भी बुक्स है उन बुक्स को जल्दी से जल्दी भेजें। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, जितना भी लाइन छोड़ते हैं या दो छोड़ के योर्स फेथफुली फुली यहां पे अपना साइन करेंगे, जो भी नाम है आपका साइन के नीचे नाम, जैसे मैं अपना लिख रहा हूं अनिकेश कुमार पराशर, ठीक है। अब यहां पे आप चाहे तो अपना डेजिग्नेशन भी लिख सकते हैं लाइब्रेरियन, या फिर न भी लिखे तो ऊपर आपने इंक्वायरी वाले लेटर में सब कुछ चर्चा कर दिया था, इसलिए अब वो अनजान नहीं है, उनको कोई लिखने की बात नहीं। अब इसको क्या करेंगे यहां पे क्लोज कर देंगे। एक बात बताऊं आपको, जब तक आप साइन नहीं करेंगे ना तब तक कोई भी लेटर कंसीडर नहीं किया जाता है। बहुत लोग नाम लिख के छोड़ देते हैं ना, बिल्कुल गलत बात, क्योंकि नाम तो कोई भी लिख सकता है, आपके नाम पे कोई भी ऑर्डर कर सकता है। सिग्नेचर बहुत जरूरी चीज है। और देखिए ये मैंने 11th और 12th के एग्जाम को ध्यान रखते हुए बताया है, क्योंकि इस बार 40 नंबर के एग्जाम होंगे तो ज्यादा से ज्यादा ये 5 या 6 मार्क्स के आएंगे, तो 5 या 6 मार्क्स के आएंगे, तो मैं उतना ही बताया कि जितना भी आपको 5 में 5 मिल जाए। अगर यही अगर 10 मार्क्स में रहता तो इसमें और कुछ बढ़ाता, जैसे नंबर ऑफ बुक्स में मैंने पांच ही बुक ऑर्डर किया, उसकी जगह 10 बुक ऑर्डर कर देता, ठीक है, और बात को थोड़ा अच्छे से रिप्रेजेंट करता तो अपने आप वर्ड पुर जाते, और वर्ड पुर जाते तो मार्क्स हमको खुद ब खुद मिल जाते। तो प्लीज इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूं आपके एग्जाम के लिए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट आपको ऑनलाइन कोई नहीं दे रहा अभी के डेट में एग्जामिनेशन को देखते हुए। मैं इंग्लिश का आपका पूरा राइटिंग सेक्शन करवा दूंगा और पूरा पैसेज भी सही से लिखना से, बहुत बच्चों का ये कंप्लेन था कि जो मिड टर्म एग्जाम हुआ उसमें पैसेज बहुत हार्ड आया, कुछ हार्ड नहीं था बच्चे, मैंने देखा है पैसेज यूं सॉल्व होने वाला है, पैसेज पढ़ने का और सॉल्व करने का एक तरीका होता है, बस आप लोगों को क्या है कि वो प्रॉपर तरीका नहीं बताया जाता है, ठीक है ना।